पीड़ित परिवारों को आज और हम एसपी सर ने पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जो मुआवजा बनता था वो आज उनको हैंडओवर कर दिया गया है। उसमें जो है पुलिस ने 14 तारीख का जो घटना है पुलिस ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आदमी को जेल भेज दिया है। उसमें अग्रेतर अनुसंधान चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी है उसका हम अभी रिव्यू करके भी आए हैं, उसमें कार्रवाई होगा। कितने लोग सर इसमें शामिल हैं? अनुसंधान का विषय है, इसमें अभी तक जो बात आ रहा है जो है वो एक आदमी है, बाकी हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सर फोरेंसिक जांच जो मंगाया गया था 3 दिन बाद सर आया था। फॉरेंसिक जांच जब डेड बॉडी मिला है तुरंत उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ये होने के बाद तुरंत हमने उसको बुलाया है, उसमें ज़्यादा देरी नहीं हुआ है। तो कल शाम सर 3 दिन बाद फॉरेंसिक जांच हुई है सर। डेड बॉडी 18 को मिला है जी, तुरंत आया है। 20 तारीख था सर। सर इसमें कौन कौन लोग है आखिर में? अभी तक 8 दिन में पुलिस अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। उसमें अनुसंधान जैसे हमने बताया पहला जो पार्ट है वो तो अक्यूज को हमने जेल भेज दिया है, बाकी जो जो तथ्य आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या लगता है सर गैंगरेप ना? अभी तक तो एज सच जितना एविडेंस है उस पर से कुछ कहना मुश्किल होगा, जैसे जैसे आएगा एविडेंस हम बताएंगे। आज हमारे पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर शामिल थे उन्होंने बयान दिया है कि उसमें गैंगरेप की शंका जाहिर की है। वो तो लिखित में आएगा ना उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रहेगा, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं कि जो ये उठ रहा है ना अफवाह इसके ऊपर ये मत कीजिए, वो तो अपना रिपोर्ट लिखित में देंगे ना पोस्टमार्टम वाला, उसका चिंता नहीं। तो क्या लगता है जो दोषी होंगे वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? जब पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है तो क्या लग रहा है सर उतना जघन अपराध अकेले ऑटो चालक कर देगा? देखिए ये अनुसंधान का विषय है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो जैसे रहेगा हम जैसे कि बता ली, एक क्लियर रखना है कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये अकेले हो तो उसके ऊपर होगा, अगर ज़्यादा है तो उनके ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रेशर हो रहा है ऐसा है तो किसी को भी पकड़ के भेज देंगे। पब्लिक भी सर हो रही है जगह जगह कैंडल मार्च कर रही है घटना को लेकर, इसलिए हम पीड़ित पक्ष से भी मिले, पब्लिक से हमारी यही अपील है कि पुलिस प्रशासन और अपना प्रशासन भी कार्य कर रहा है, उसमें कोई उग्र होने का या लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का कोई इशू है नहीं।